अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारी दुआओं के साथ एक बार फिर से मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ और आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे याद रखते हैं और आप लोग मुझे मुसलसल कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सादिया आप आजकल वीडियोस कम अपलोड कर रही हैं, तो मैं भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। यहाँ पर मैं अपनी पुरानी याद को ताज़ा करते हुए, ये मटन पुलाव था, भाभी ने बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था, हद से ज़्यादा टेस्टी था। साथ में जो मेरी फेवरेट चिलीज़, ग्रीन चिलीज़, और अभी जो है वो ये वीडियो को दोबारा से एडिट करते हुए ना मुझे फिर से इतनी सारी क्रेविंग हो रही है राइस की, और क्या पता शायद मैं अभी उठ के बना लूँ क्योंकि मुझे बिल फिर से दिल चाह रहा है खाने को, उस तक बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो आप लोग भी इस चीज़ को मिस करते हैं ना, तो फिर जो है वो इसलिए मैं शेयर कर देती हूँ। तो बाबा के घर पे हूँ मैं आजकल, और वो पुरानी रूटीन जो है वो अक्सर याद आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरी जो बैंगल्स हैं उसके बारे में आपके अक्सर कमेंट्स आते हैं कि इनका डिज़ाइन दिखाइए और इनकी प्राइस वगैरह बताइए, तो इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जो है वो भाभी बना रही थी चिकन फ्राइड राइस, और ये जो है ना सेकेंड लास्ट रमज़ान आई थिंक था रोज़ा, उस दिन का क्लिप है। देखिए अक्सर मैं क्लिपिंग बनाती भी हूँ क्लिप्स, तो उनको एडिट नहीं कर पाती हूँ, यानी व्लॉग्स बनाने, वॉइस ओवर करने को कभी दिल नहीं चाह रहा था, कभी तबीयत में कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो इसीलिए ये जो सेकेंड लास्ट रोज़ा का क्लिप था और शेयर नहीं कर सकी, लेकिन अभी जो है वो शेयर कर रही हूँ। साथ में दस्तरखान लगा दिया, भाई जो वो फ्रूट चाट बना रहा है और बहुत अच्छी फ्रूट चाट बनाता है भाई। और यहाँ पर जो फ्राइड राइस हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हैं माशाल्लाह। साथ में पकोड़े फ्राई हो रहे थे, जैसे कि आपको पता है कि इफ्तार टाइम में जो है वो जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है। और अभी जो है वो ये सर्विंग ट्रे में निकाल दिया है राइस भाई भाभी ने, और इफ्तार का टाइम करीब आने वाला है। साथ में चिकन रोल हैं, ये भी भाभी ने घर पे बनाए थे, वो फ्राई हो रहे हैं, और साथ में जो वो ये एग फ्राई किया है शायद वो इसी में डालना है भाभी ने। नादिया मैडम भी आ गई, एंड यहाँ पर जो है वो ये एक पार्सल आया है हमारा, और जैसे कि लॉकडाउन की वजह से शॉपिंग नहीं कर पा रहे थे हम लोग, और फिर कुछ मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी जिसकी जो प्रॉपर वीडियो है वो मैं इंशाल्लाह मे बी अपने सेकंड चैनल पर अपलोड करूँगी। सेकंड चैनल का जो लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, अगर आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी लाइफ अपडेट मिलती रहे, और अगर आप नहीं चाहें तो इट्स ऑल राइट, बस स्टे ट्यून, यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं अतीक से कहती कि इसको अनपैक करें, इस पार्सल को जिसमें हमने बेबी की बहुत सारी शॉपिंग की है, मतलब बहुत सारी भी नहीं की लेकिन जो मेन ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने परचेज़ की थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी अभी जाइए मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से ये मेरा एक और पार्सल आया है, वो मैं वहाँ पर अनपैक कर रही थी अपने घर पे, ये यहाँ पर बाबा के घर पे। वैसे सारे पार्सल तो यहीं पर मैंने मंगाए थे क्योंकि ये एड्रेस जो वो ईज़िली पहुँच जाता है यहाँ पर,
तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम सादिया, अ टाइनी यूट्यूबर फ्रॉम पाकिस्तान. आई मेक वीडियोस ऑफ कुकिंग, ईटिंग, आउटिंग, शॉपिंग, DIYs, व्लॉग्स एंड मेनी मोर. इफ यू लाइक समथिंग अबाउट माय चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच. एंड वेलकम बैक. ये है जनाब ईद का सेकेंड डे, और रात में जब अधिक यहाँ पर आए थे बाबा के घर पर ही, तो भाई से जब हम लोगों ने मिलके ऑर्डर किया था KFC से, तो बर्गर्स थे, हॉट विंग्स थे, साथ में फ्रेंच फ्राइज माई फेवरेट, और साथ में कोल्ड ड्रिंक. तो बड़ा हमने मज़े से इंजॉय किया. साथ में है भाई छोटा, और अतीक जो है वो ये बड़े रिलैक्स होकर बैठे थे. शर्ट जो है वो नहीं थी, इस वजह से मैंने इनको वीडियो में लाना मुनासिब नहीं समझा, बिकॉज इट्स फैमिली चैनल, तो अच्छा नहीं लगता ना ऐसे. मेरी बहुत सारी सिस्टर्स हैं, बल्कि सारी मेरी बहनें हैं जो मुझे देखती हैं, मतलब तो बुरी बात होती है. तो मैं कोशिश की है, अगर कहीं पर फिर भी कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाती हो तो उसके लिए माजरत. और अभी जो है वो हमने ये सारा कुछ खा भी लिया है, और खाने पीने के बाद जो है वो ये सब कुछ बच गया जिसको हमने फ्रिज में रख दिया था, और फिर मैंने नेक्स्ट डे इसको खाया था, क्योंकि चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए ना, तो मैंने इसको रख दिया था. पता क्या होता है, पहले ही बस दिल चाहता है देख के मंगवाने को जब हम ऑर्डर देख रहे होते हैं, लेकिन जब इतना कुछ आ जाता है ना, फिर मेरे से तो खाया नहीं जाता, पता नहीं क्यों. क्या हाल है नदिया? मैं भी ठीक है. देखिए, मैं और नदिया भी ऊपर आए थे छत पे, और यहाँ पे जो आम का दरख्त है ना, उस पे लगे हैं बहुत सारे आम. ये देखिए, सबसे पहले तो ये नजर आ रहा है ना, खाए लाओ, कोई डंडा तोड़ के खाते हैं, एक खाते हैं ना, मज़ा आएगा. खट्टी खट्टी सी, ये देखिए कितने सारे आम लगे ना. देखते हैं अभी उस तरफ से, अभी देखते हैं यहाँ पे इस कॉर्नर पे. ओ ये देखो सामने, ये देखें यहाँ पे सुंदर सोना. तो कहना साथिया मुझे तोड़ के दो. सुंदर जो है वो कोई मिला डंडा? कोई भी नहीं मिला. ओहो, फिर कैसे तोड़े? ढूंढो ना. एक अदद डंडा जो है वो मिला है. नदी इसे तोड़ने की कोशिश करो. ये जो सामने कोई एक नजर आए ना अच्छी वाली, ये तोड़ लो जो सबसे ज्यादा करीब है. ये इधर वो अंदर अंदर भी बहुत ज्यादा, छत पे जाके तो बहुत आसानी होती है. चलो इसको तोड़ो ना, वैसे एक ही खाएंगे, हमने कौन सा सारी खानी. ओ. तो ये रही हमारी खट्टी मीठी सी. चले ना दिया काट के, इस पे चाट मसाला लगा के, इसकी खुशबू इतनी अच्छी, इसकी खुशबू आ रही है ना, देखे जरा. हाँ, इससे नेक्स्ट टाइम फिर तोड़ेंगे, बस हम यही तोड़ने आते हैं, ऊपर बहुत गर्मी है. तो चलो नहीं चलते ना दिया, लेट्स गो. ये पकड़ो, ये तुम पकड़ लो ना. चलो चले चले जी नीचे. हाँ हाँ, छुरी एक प्लेट और चाट मसाला,
इसको धो लेना ना, हाथ पे कुछ लग गया। ये है मेरे कपड़े जो कि धुल गए हैं, इनको मैंने समेटना है। अगर हाथ धो लूँ, हाथ पे जो है ना वो, तो चलिए अभी हम खाते हैं ये खट्टी खट्टी सी इमली। ओहो नहीं, इमली नहीं, सॉरी, आम, कच्चा आम। और पापा के घर पे जो ये आम का दरख्त लगा हुआ है ना, बड़ा सा, इतना बड़ा सा दरख्त है, इस पर इतने सारे आम लगते हैं, तो बस ऐसे ही देख के तो दिल चाह रहा था। वैसे मुझे कुछ ख़ास इस तरह पसंद नहीं है, लेकिन वो जब इतनी सारी दरख्त पे लगे हुए थे ना आम, तो देख के तोड़ के खाने को दिल चाह रहा था। तो मैंने नादिया से कहा चलो नादिया हम ना तोड़ के लाते हैं। सो अभी जो है वो हम ये लाए हैं तोड़ के, और मैं काट रही थी, उन्हें खाया, खट्टी मीठी चीज़, खट्टी मीठी खट्टी मीठी सी थी, मेरे मुंह में पानी आ रहा है खट्टी मीठी कहते हुए। तो इतना मज़ा आया ना खट्टी मीठी सी खाने का, लेकिन चाट मसाला जो शायद ख़त्म हो गया था, तो फिर हमने खाली खाया, लेकिन बड़ा मज़ा आया। हम लोगों ने खट्टा मीठा सा आम खाया, और फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक, और मेरी जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत जल्द। बस आप सब दुआओं में मुझे याद रखिएगा, आप सबकी दुआओं का और आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे बेहद ज़रूरत है आप सबकी दुआओं की और आप सबके प्यार की। बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू Thank you very much for watching. Take care. Goodbye and Allah Hafiz.